बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, उसको सबको विरोध करना चाहिए। चलो जहां मुसलमान रहे वहां लड़के औरतें बच्चे सुरक्षित न रहे तब वो मुसलमान नहीं है। ये तुम्हारा सेवक के बजाय तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और यही इनकी कमजोरी है। नशा हराम है, शराब हराम है, संगीत हराम है, क्यों? इस्लाम, इस्लाम ने क्या किया? मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों की बात मैं कर ही नहीं रहा हूं। इस्लाम ने ये, इसीलिए इस्लाम ने क्या किया, जो बात तुलसीदास जी कहते ना, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी, वही बात इस्लाम कहता है जिना हराम है, शराब हराम है। इस्लाम कहता है कि जो भी बाहर भाग, तुम बाहर जो मजा ले रहे हो वो सब हराम है, क्योंकि अल्लाह तो कल्ब में बैठा हुआ है ना। इस्लाम क्या मैसेज है इस्लाम का, मुसलमान इसको समझा ही नहीं पाता। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। हरि त्याग भय विषय अनुरागी की भगवान का त्याग करके किसमें पड़ गए, सेंसेस के भोग में। यही बात इस्लाम कहता है जो भी सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो हराम है, बाहर जो भी तुम ढूंढ रहे हो वो हराम है। जिना हराम है, नशा हराम है, शराब हराम है, संगीत हराम है, क्यों हराम है? क्योंकि ये तुम्हें अंदर से काट रहा है, बाहर ले जा रहा है, और तुम्हारा मालिक कहां बैठा, कल्ब में, अर्शुल ताला कल्बे मोमिन। और यही बात गीता कह रही है द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख सुख दुखदा आगम पयोन अनित्यास निस्तम छितस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाली इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षण भंगुर है। गीता का द्वितीय अध्याय सेकेंड चैप्टर कौन सा श्लोक, 14th। ये तीनों एक ही बात कह रहे हैं। इस्लाम बड़ा शानदार धर्म है। मुसलमानों को मैं क्या कहूं, अभी उल्टा सीधा बोल दूंगा फिर ये पिनपिनाएंगे, आरएसएस का आदमी है। और यही इनकी कमजोरी है कि ये अपनी गलती को सुनना ही नहीं चाहते। इनकी तारीफ करो, इस्लाम की तारीफ की जा सकती है। बांग्लादेश में जो कांड हुआ, जहां मुसलमान रहे वहां लड़के औरतें बच्चे सुरक्षित ना रहे तब वो मुसलमान नहीं है, तब फिर कोई और है। वो जिनके पास ईमान है वहां जो लोग रहे, वहां लड़के बच्चे स्त्रियां सन्यासी या असुरक्षित रहे, असंभव असंभव, फिर वो मुसलमान नहीं है, फिर वो कोई और है। पढ़ो हजरत मोहम्मद की जीवनी, पढ़ो हजरत मोहम्मद की जीवनी। बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं, जो वहां चीजें घट रही हैं, उसको सबको विरोध करना चाहिए, सबको विरोध करना चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए। वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, सबको करना चाहिए। जहां भी इंसानियत मारी जा रही हो उसका विरोध सबको करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप शैतान के साथ हैं। इस्लाम ने कहा मूर्ति भी आपको बाहर ले जाती है, तो मूर्ति का विरोध कर दिया।
कि मूर्ति भी आप बाहर ही देखते हो, बाहर देखना ही नहीं है जब तक ईमान ना आ जाए। और जब ईमान आ जाएगा, जब आप अरहत हो जाओगे, जब आप निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, ये सारी चीजें आपकी सेवक लक्ष्मी जी, जहां आप विष्णु बने, जहां आप अरहत हुए, स्पिरिचुअलिज्म की दासी है कौन? मटेरियलिज्म। भगवान विष्णु की दासी है कौन? लक्ष्मी जी। है तो पत्नी बेसिकली, लेकिन रहती विष्णु जी के साथ ही। और विष्णु विहीन लक्ष्मी जी फिर चंडिका हो जाएंगी, काली, दुर्गा विध्वंस मचाना शुरू कर देंगी। तो मेटरलिज्म को छोड़ना नहीं है ना। पैदल चले, कौन बोल रहा है? वही पुरानी तख्ती लिखा है, उठा ले जो 70 साल पहले तख्ती चलती थी। ये स्मार्ट बोर्ड सब छोड़ दे, तख्ती ले आए। वो गांव में नरकुल होती थी, नरकुल ले ले, और फिर नरकुल से लिखे हो जितने विज्ञान की उपलब्धियां हैं सब छोड़ दे, मोबाइल वोबाइल सब पानी में फेंक दे। कौन बोला? कौन कह रहा है ऐसा? सब मानव की सेवा के लिए है। मेटरलिज्म मानव की सेवा के लिए है, लेकिन वो सेवा तब करेगा जब वो स्पिरिचुअलिज्म के साए में रहेगा। इसलिए अनिवार्य है तुम लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथ पर चलना। अगर तुम स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं चले तो ये मेटरलिज्म जो है ये तुम्हारा सेवक के बजाय तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, तुम पर कब्जा कर लेगा एआई, और मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा।